हाय एवरीवन, मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ तंदूरी नान की रेसिपी। अगर आप बिगनर हैं, फर्स्ट टाइम आप बना रहे हैं, तो भी आपकी नान बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होगी और मसालेदार सब्जी के साथ खाने में तो बहुत ही बढ़िया लगती है नान। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिया है 1 कप मैदा, इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 कप गेहूँ का आटा, बीच में एक होल बना लिया है। इसके अंदर डाल रही हूँ छोटी कटोरी से दही, ये 1/4 करीब के करीब होगी दही हमारी। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 2 चम्मच घी। आप घी तेल दोनों में, रिफाइंड बटर कुछ भी डाल सकते हो। ये थोड़ा सा नमक डाल दिया है, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1 चम्मच चीनी। फर्मेंटेशन अच्छा होता है चीनी डालने के बाद, क्योंकि हमें तो फर्मेंट करना है अपने आटे को। इनको मिला दें और एक सॉफ्ट सा आटा पानी डाल के सॉफ्ट सा आटा हम तैयार कर लेंगे। अच्छा सा अच्छे से नीड करना है आटे को, इस तरीके का हमें बढ़िया सा सॉफ्ट सा आटा बना लेना है। ये हमारा आटा बनके रेडी हो गया है। अब ऊपर से थोड़ा सा मैं घी लूँगी अपने हाथ पे, सरफेस थोड़ा चिकना हो जाएगा आटे का, और हाथों पे घी लगा के दोबारा से थोड़ा सा आटे को मसल देंगे इस तरीके से। अब इस आटे को आपको 4 से 5 घंटे के लिए रख देना है, मिनिमम कम से कम आपको 4 घंटे रखना ही है, जिससे हमारा जो आटा है थोड़ा अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा। अब ऊपर से थोड़ा सा हमने घी लगा दिया है, अब इसको 4 से 5 घंटे के लिए रख दिया था, और ये देखिए थोड़ा ये फर्मेंट हो गया है। अब इसकी लोइयां बना लेंगे। आप 1.5 कप आटे में 6 से 7 नान बना के रेडी कर सकते हो, और थोड़ी आपको लोई मोटी लेनी है। तो यहाँ पे मैंने ये बटर लिया था, बटर मेल्ट कर लिया था, उसके अंदर डाल दिया है गार्लिक और थोड़े से धनिया के पत्ते, क्योंकि हम यहाँ बटर गार्लिक नान बना रहे हैं। आप सिंपल बटर नान भी बना सकते हो गार्लिक को स्किप करके। अब एक सरफेस पे थोड़ी सी मैदा लगा लेंगे। मैदा डस्ट करने के बाद इसको अच्छे से बेल लेंगे हम अपने नान को। नान ध्यान रखिए, नान थोड़ी मोटी बनती है, थोड़ा मोटा बेलें। अगर पतली नान बेल लोगे तो आप पतली भी बेल सकते हो, थोड़ी क्रिस्पी बनेगी। फटाफट बेल लें, और ये जैसे आप रोटी बनाते हो ना, बिल्कुल सेम प्रोसीजर रोटी बनाने वाला ही है। ये कोई हार्ड नहीं है। एक कलौंजी के बीज डाल दिए मैंने थोड़े, इसको थोड़ा मतलब मार्केट वाला लुक देने के लिए, अच्छा भी लगता है खाने में, प्रेजेंटेबल लगता है। अब ये देखिए इसकी जो बैक साइड है, यहाँ पे आपको पानी लगाना है। पानी इसलिए लगा रहे हैं जिससे हम अपने तवे के ऊपर जब ये नान डालेंगे, ये उसके ऊपर अच्छे से चिपक जाएगी। पानी अप्लाई कर लिया है, तवा साफ़ होना चाहिए, और ये जिस साइड से पानी लगा होता है ना, ये नान मैंने उधर से तवे के ऊपर डाल दिया। अब ये देखिए इसमें बबल्स आने शुरू हो गए हैं। अब जैसे ही आपको बबल्स दिखें, आप तवे को उल्टा कर दीजिए और एक मीडियम फ्लेम पे चारों तरफ से नान को अच्छे से सेक लीजिए। आप इसे अपने गेस्ट के लिए, अपने परिवार के लिए बना सकते हो। बहुत ही अच्छी और आसान सी रेसिपी है। आप चाहो तो सिर्फ मैदा भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसमें आपको नान को बेलने में थोड़ा टाइम लगेगा। आप चाहो तो इसको प्योर मैदा की या फिर प्योर आटे की भी बना सकते हो। इसको अच्छे से अपना हल्के हल्के जब गोल्डन स्पॉट आ जाएंगे, तब तक आपको सेक लेना है इस तरीके से, तवे को थोड़ा उल्टा इधर उधर से करते हुए। अब हमारी नान बढ़िया सी सेक गई है। अब इसके ऊपर जो हमने ये बटर और गार्लिक का जो मिक्स बनाया था ना, वो इसके ऊपर लगा देंगे। लग रही है ना बिल्कुल मार्केट वाली नान, और हमने इसमें आटा भी ऐड किया है, तो ये हेल्दी भी है। और ये देखिए हमारी नान बनके बिल्कुल रेडी है। अगर आप पहली बार भी बना रहे हो तो आपकी नान 100% अच्छी बनेगी। आप जिस तरीके से मैंने बताया, आप उस तरीके से बनाएं, बिल्कुल भी आपकी नान ख़राब नहीं होगी। और मसालेदार सब्जी के साथ, पनीर की सब्जी के साथ तो नान खाने बहुत ही बढ़िया लगती है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। थैंक यू, अपना ध्यान रखें।